बेटा पारुल, बेटा पारुल, बेटा पारुल। हाँ जी पापा, क्या हुआ? बेटा मेरी तबीयत हो रही है खराब, ठीक है, और मैंने कुछ सामान ले रखा है दिवाली का बेचने के लिए, वो बेटा तू दुकान लगा ले और बेच दे। मतलब मैं सामान बेचने जाऊं बाहर? बेटा और मेरी तो आसन नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, मैंने सोचा था इनको बेच के अपनी भी दिवाली मना लेंगे, पर मेरे में आसन नहीं है बेटा, क्या करूं। ठीक है, पर आपने दवाई ली है, मुझे ये बताओ। बेटा दवाई तो तभी लूंगा जब पैसे आएंगे और ये सामान बेच दे दिवाली का, तभी मेरी दवाई भी ले आते आना, ठीक है बेटा? क्या तो आप ठीक ही रहो, हमारे पास पैसे भी नहीं है, जब ये सामान बेचेंगे तभी दवाई आएगी। ठीक है, मैं जल्दी से जाती हूँ, ये सामान बेच के आती हूँ, फिर साथ ही साथ दवाई लेके आ जाऊंगी मैं। ठीक है बेटा, अकेले मत जाना। और मैं छवि को भी साथ ले जाऊं क्या? हाँ बेटा ले जा, आजकल जमाना बहुत खराब है, अकेले नहीं जाना चाहिए बाहर, ठीक है बेटा? और टाइम से आ जाना। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखना। बेटा टाइम से आ जाना। ठीक। दिए ले लो, दिए, लाइटें भी हैं, लड़ियां भी हैं, ले लो भाई, कोई तो आ जाओ। या कौन बैठी है? की मेरा कोड़ो भाई, ये गाड़ी भी हो रही है। यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा, मैंने छवि को ही बोला था साथ चल, पर वो आई नहीं, मुझे अकेले भेजना पड़ेगा। भाई साहब दिए ले लो। दिए तो ले लेंगे, तेरे तो किसी ना कि यार दुकान से जानेगी। पर क्या हो गया भैया? गाड़ी खड़ी होगी मारी अड़े। हाँ पहले कम से कम पूछ लेती घर के सामने, तो दुकान लगा बैठी है, आड़ भी सामने भी पार्क था, उड़े कर लगा लेती। ये आपका घर है? हाँ हमारा घर है। अरे भैया मेरे है ना पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वैसे तो मेरे पापा ही जाते हैं दुकान लगाने, मेरे को पता नहीं था पापा कहाँ पे दुकान लगाते, इसलिए मैं यहीं पे बैठ गई, मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। चल कोई नहीं, बस एक घंटा पड़ा है, एक घंटे में प्रेम लगा लिए। आजकल फिर कोड़े दिए बेचा रहे इसे? भैया ये अच्छे दिए हैं, शुद्ध मिट्टी के घी हैं। कितनी मेहनत करनी पड़े बेरा तेरे, इसमें तेल लगा लो और बाची लगाओ, फिर थाली में धरो, फिर सजाते आंडो, 70 ढूंढने करने पड़े इससे। आजकल तो इसी रेडी चाल रही है दिहाड़ी। भैया ऐसे मत बोलो, बहुत अच्छे दिए हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। हवा तेरी बात तो मान ली, पर आजकल ना बहुत आगे जमाना जा लिया, तू समय पाछे रह रही है। और लाइटें भी हैं। जड़ा है ये लाइट? हाँ जी लाइट जलती है। जड़ा के दिखाओ इन्हें। भैया मेरे पास है ना बिजली नहीं है, नहीं तो मैं आपको जला के दिखा देती। एक काम करो आप ले जाओ, और मुझे अगर ना जले तो मुझे वापस कर जाना, मैं उसके बदले आपको दूसरी लाइट दे दूंगी। मैंने बेरा था नुआ बनना मारना आ रहा था, आप तो चले जाएंगे लिए के, अरे तू फर देरी गायब हो जाएगी तुम्हारी तो। भैया ले लो ना, मेरा सुबह से कोई जबान नहीं बिका, ना मेरी बॉडी हुई है, मेरे पापा ही सच में बहुत ज़्यादा तबियत खराब है, प्लीज कुछ ना कुछ तो ले लो, प्लीज ये लड़ी ले लो, नहीं तो। चल तुम्हारे घर के सामने बैठी है ना, तू नू करे एक दो रेडी मारते दे दे। भैया ऐसे कैसे दे दूं, मैं मेरे पापा बीमार है, मैंने उनके लिए दवाइयां लेके जा रही हूं। हां बेरा मारे लक्का कोई मरो रेडी देनी हो दे दे मारते। भैया प्लीज ऐसे मत लो। दो रेडी में कितना फांसी लाती, बतेरे कमा लेगी। भैया मेरे पापा बहुत बीमार है, मैं कहां से उनका खर्चा पूरा करूं, मुझे दो आए भी लेने जाना प्लीज। कितने टोटले पांच हो यार ये इस आदमी। भैया प्लीज ऐसे मत लो, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है ना, ये सारे फेंक दो रोड पे। भैया सबसे महंगी यही वाली लाइट और आपने यही उठा ली, मैं कहां से बेचूं? ये पसंद है भाई तेरे? हाँ पसंद है। चल तो ये चल, प्लीज ये वाली मत लो तू। भैया भैया अभी तक तो मैंने बोरी भी नहीं गई थी, पापा की दवाई भी लेके आ रही, मैं कहाँ से पैसे पूरे करूँगी।
और अभी तक तो कोई आया भी नहीं, सुबह मेरे बेकाई ऐसे उठा के चले। मम्मी मम्मी रुको, मम्मी मम्मी देखो वो दीदी ना बहुत परेशान हो रही है, तो चल हम उनके दिए ले लेते हैं। उन भैया ने ना दीदी की लाइट भी छीन के ले गए। ठीक है बेटा, हेल्प तो करनी चाहिए, पर मैं आपके पापा से पूछ लेती हूँ। आपके पापा को मैंने सुबह बोला था दीवे के लिए, तो एक बार मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। इन्होंने नहीं लिए होगी तो हम इधर से दीवे ले लेंगे। ठीक है। हेलो हेलो, आपने दिवे लिए नहीं लिए? नहीं, आप एक काम करना, आप ही ले लेना दिए, मैं तो अभी कहीं बाहर आ रखा हूँ फिलहाल। ठीक है। क्या चाहिए आपको? गुड़िया भी दिवे कैसे दिए? दिवे 10 के 5। आप एक काम करो, सारे दीवे पैक कर दो। पर दीदी ये तो 100 रुपए के हैं बस, और मेरे पास खुले पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप इन्हें पैक कर दो, और आप कल दुकान लगाओगी तो मैं कल ले जाऊंगी। ठीक है, एक काम करो आप और सामान भी ले लो। मम्मा ये शुभ दीपावली दिखा दो। बेटा वे घर में रखे हैं। आप तो मुझे कुछ दिलाते भी नहीं हो। देना है क्या ये? नहीं। चलो आज दीवे तो सारे बिक गए, और पापा की दवाई पर उन पैसों में तो आएगी नहीं, और जो भारी नुकसान हुआ वो भी पापा को जाके बताना पड़ेगा। बता दूंगी, पर क्या ही करो, इसमें मेरी क्या ही गलती है, वो उठा के चलते बने, मैंने तो रोका था ना। तड़के तो सांझ हो गई, पारुल बेटा नहीं आ रही, पता नहीं कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया होगा। पहली बार गई है बेचारी। आ गई बेटा। हाँ जी पापा, नमस्ते। नमस्ते। पापा सामान तो बिक गया, पर एक है ना नुकसान हो गया आज। क्या हो गया बेटा? पापा वो है ना जो मैं जिस मकान के आगे दुकान लगा के बैठी थी ना, उस दुकान वाले ने 2 लाइटें उठा ली हमारी, और मैं उन्हें उसको खूब पीछा किया, पर वो हाथ ही नहीं लगा। बाकी सामान बेटा? पापा बाकी सामान तो चला गया, और एक आंटी ने आना मेरे से 100 रुपए के दिए लिए हैं, और पर 100 रुपए उन्हें अभी बाकी देने, मेरे पास खुले थे नहीं, इसलिए उन आंटी ने बोला मुझे, मैं ना बाकी दिए कल ले जाऊंगी। कोई नहीं बेटा, मैं दिए ले दूंगा, फिर दे देना। ठीक है, आप दिए ले आना, फिर मैं उस आंटी को दे आऊंगी। दे देना बेटा। कोई नहीं, कुछ खा पी ले बेटा, सुबह से तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। ठीक है पापा। हाँ जा बेटा। अरे भाई साहब, है कोई घर में? सर आप यहाँ कैसे? मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी, कुछ हुआ तो मुझसे बता दो, और मैंने आपको बोला था दीदी मैं आपको दिए दे जाऊंगी, क्यों आप घर तक आए? अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, और हम यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए नहीं आए। आप प्लीज पहले हमारी बात सुने, ये दोनों वही लड़के हैं जो आपकी लड़िया उठा के लेके गए थे? हाँ जी सर, ये दोनों वही हैं। हाँ भाई, अब बोलोगे कल बोलोगे? मैडम सॉरी, मैडम सॉरी, आगे से गलती नहीं करेंगे। इट्स ओके। पर सर आपको कैसे पता चला इन दोनों ने मेरी दुकान से लाइट चोरी करी है? मेरी वाइफ और मेरी गुड़िया ने वहाँ पे इनको देख लिया था, ये कैसे वहाँ से आपसे लड़िया छीन रहे थे। ऐसे पता
लो प्लीज भाई, अपने ऐसे मत लो। दो रेडी में कितना फासी लाती बतेरे कमा लेगी भैया। मेरे पापा बहुत बीमार है, मैं कहां से उनका खर्चा पूरा करूं? मुझे दवाई भी लेने जाना प्लीज। कितने टोटल पांच हो यार ये इस आदमी भैया, प्लीज ऐसे मत लो, पैसे दे दो। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है ना, ये सारे फेंक दूंगा रोड पे। भैया सबसे महंगी यही वाली लाइट और आपने यही उठा ली, मैं कहां से बेचूं? ये पसंद है भाई तेरे? हाँ पसंद है। चल तो ये चल, प्लीज ये वाली मत लो तू भैया। भैया तो जैसे ये वहां से गए, मेरी वाइफ और गुड़िया आपके पास आए थे, और जब वहां से आप सामान लेके वापस अपने घर आ रहे थे, मेरी गुड़िया ने आपका पीछा किया और आपका घर देखा, और इन दोनों ने मेरे को यहाँ पे लेके आया है, और मेरे को पता लगा कि इन्होंने ऐसा किया था, तो घर से मैं इनको उठा लाया। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। पैसे कब दोगे इनके? पैसे दे दो भाई इनके। पापा पर वो लाइट तो 200 रुपए की एक थी ना? हाँ बेटा। पैसे देना और 200 रुपए में घर पे जाके भिजवा दूंगा। ठीक है भिजवा देना। भिजवा दियो ना, दोनों को हाथ तोड़ूंगा। निकलो यहाँ से। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। इट्स ओके, ये तो हमारा फर्ज था जो आपके लिए इतना किया। गुड़िया ये लो। पर सर ये क्या है? ये आपके लिए एक छोटा सा दिवाली का तोहफा है, ताकि आप लोग भी हमारी तरह एक अच्छी दिवाली मना सको, खुशी का त्योहार मना सको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। इट्स ओके, ये हमारा फर्ज था, और आज के बाद आप कभी भी उदास मत होना, और भगवान करे आपकी हर दिवाली ऐसी खुशियों से भरी आए। ठीक चलते हैं, चले। और हाँ दोस्तों, आप सबको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस और भाई दूज के साथ साथ हमारी वीडियो को भी लाइक कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद। शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा देना। लव यू गाइस।